मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। जो अपना सी प्लस प्लस का नैक्सट लैक्चर आ ठीक है, प्रोग्रोडिंग के उपर आप डिस्कस कर रहे थे, वो जो सैकंड पार्ट आज आप पढ़ा कि स्ट्रिंग मैनीपुलेशन यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। स्ट्रिंग में आप कि मतलब मॉडिफाई करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की वरतों करके। वी हैव स्ट्रिंग मैनीपुलेटिंग फंक्शन इन सी प्लस प्लस। स्ट्रिंग मैनीपुलेट करने फंक्शन होंगे ने अपने को सी प्लस प्लस के। टू कंपेयर टू सेटिंग वी हैव सेटिंग कंपेयर फंक्शन एंड सेटिंग कॉपी। ए यूज टू कॉपी द वन सेटिंग टू द अनदर सेटिंग। मतलब कि सेटिंग कंपेयर फंक्शन होंगे एक सेटिंग कॉपी फंक्शन होंगे जेड़ा आप यूज करते कि कॉपी करनी एक सेटिंग दूजी सेटिंग के। देयर इज वन मोर वे टू परफॉर्म सच ऑपरेशन एंड इट इज थ्राउट थ्रू द ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग की वरतों करते हैं। इट मीनस दैट वी कैन यूज अरथमैटिक ऑपरेटर जिम्मे लैस दैन ग्रेटर दैन इज इक्वल टू। ठीक है, जला इक्वल टू हो गया अपने को फॉर कंपेरिजन बिटवीन टू सेटिंग। मतलब कि कंपेरिजन करके अपने यूज करते हैं। फॉर इंसटेंस वी यूज कैन यूज डबल इक्वल टू ऑपरेटर टू कंपेयर टू सेटिंग। दो सेटिंग आप कंपेयर करने यूज करते हैं जिद की हो जाता बेटा अपने को। फॉर दिस वी हैव टू ओवरलोड दीज ऑपरेटर। तो ये अपन इंस्टेंस है जी मतलब कि आप ओवरलोड ऑपरेटर यूज करते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल टू ओवरलोड फॉर कंपेयरिंग द टू स्ट्रिंग। जो आप टू स्ट्रिंग में कंपेयर करते तो वो ओवरलोड ऑपरेटर की वरतों आप किमें करते हैं। जिम्मे हैश इंक्लूड एस वीडियो डॉट एच सॉरी आई ओ स्ट्रीम डॉट एच हैडर फाइल लगा ली, हैश इंक्लूड फोनियो डॉट एच हैडर फाइल लगा ली, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच हैडर फाइल। क्लास आप स्ट्रिंग की क्रिएट की है। जो आप क्लास स्ट्रिंग की क्रिएट कर रहे हैं बट स्ट्रिंग बारे गल कर रहे हैं। प्राइवेट है करैक्टर आप सेटिंग जी लैंथ है मैक्सीम आप 30 मतलब कि करैक्टर दी है। पब्लिक है सेटिंग आप फंक्शन शो करना तो सेटिंग के इन्होंने यही किया दो सेटिंग कंपेयर करना। ठीक है, सेटिंग में जो बेटे कंपेयर करने तो पहले एक सेटिंग कॉपी करना पैदा होना, सेटिंग कॉपी का फंक्शन आप पास करता। ठीक है, इस तो बाद सेटिंग करैक्टर मतलब कि फस्ट सेटिंग पास की है पहला आप, फिर उस तो बाद सेटिंग कॉपी, फिर आप सैकेंड सेटिंग की गल की है। वर्ड शो करना सी आउट सेटिंग आ गई वाइड रीड, मतलब कि पहला आप शो करना डाटा। ठीक है, वो आउटपुट दिखा दी, फिर उस रीड फिर इंटर करा सेटिंग। ठीक है, इंट ऑपरेटर इज इक्वल टू सेटिंग, सेटिंग ने जो भी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट किए हैं। इफ जी सेटिंग कंपेयर है मतलब ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू जीरो आ तो रिटर्न वन कर दो, रिटर्न की कर दूगा जीरो। तो दैट इज कॉल्ड वाइड मेन लगा के क्लीयर सेटिंग के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं वन एंड टू। ठीक है, तो ये की अपने को सी आउट एंड रेडी सेटिंग पहली सेटिंग एंड की है एस डॉट रीड पढ़ना हूँ, फिर इस तरह आप इंटू सैकंड सेटिंग करा सैकंड रीड करा। इफ एस वन जे बराबर हैगी एस टू देता स्ट्रिंग्स आर इक्वल अदरवाइज स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। सेटिंग एंड सेटिंग वन जिम्मे आप इंडिया एंटर की है, एंटर एनी सेटिंग टू इंडिया दोनों इंडिया की स्ट्रिंग्स आर की हो गई अपने को इक्वल। इन दिस प्रोग्राम वी हैव ऑपरेटर फंक्शन टू ओवरलोड कंपेरिजन। कंपेरिजन आप किया भी ओवरलोड करने के लिए ऑपरेटर फॉर सेटिंग। इन दिस ऑपरेटर फंक्शन वी कंपेयर टू सेटिंग यूजिंग द इनबिल्ट फंक्शन सेटिंग कॉपी। कंपेयर मतलब सेटिंग फंक्शन की कंपेयर की वरतों करके ही आप यूज करके मतलब कि फंक्शन परफॉर्म किया। तो दिस फंक्शन रिटर्न जीरो वैन बोथ द स्ट्रिंग्स आर इक्वल, जीरो उदो रिटर्न करूंगा जो स्ट्रिंग्स इक्वल ने। कहते एज इन मेन वी आर यूजिंग इफ स्टेटमेंट टू मेक डिसीजन, सो द ऑपरेटर फंक्शन रिटर्न वन इफ बोथ द स्ट्रिंग्स आर इक्वल। तो मतलब कि ये मतलब रिटर्न वन कर दूंगा जेकर दोनों स्ट्रिंग है अपने को इक्वल। इंट ऑपरेटर इज इक्वल टू स्ट्रिंग जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इज इक्वल टू आप जीरो सैट किया रिटर्न करना वन एज रिटर्न की करवाना आप जीरो। एंड इट रिटर्न जीरो मैंने स्ट्रिंग्स आर नॉट जीरो उदो रिटर्न करूंगा बेटा जो स्ट्रिंग दोनों इक्वल नहीं है। इस तो बाद ओवरलोडिंग अरथमैटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट का मतलब जो कोई वैल्यू असाइन करवाने अरथमैटिक असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस असाइनमेंट किए माइनस असाइनमेंट किए मल्टीप्लाई असाइनमेंट की है डिवीजन असाइनमेंट की है मॉडल्स। ठीक है, आर कैन बी ओवरलोडेड इन द सिमिलर वे एज दैट अरथमैटिक ऑपरेटर। उस तरह ही होंगे जिम्मे अरथमैटिक ऑपरेटर के होंगे सो दैट दे कैन वर्क विद यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में काम करते हैं। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल टू ओवरलोड एंड द माइनस इज इक्वल टू ऑपरेटर के नाल आप करते हैं। तो प्रोग्राम टू डेमोंस्ट्रेट इज इक्वल टू प्लस असाइनमेंट एंड माइनस इक्वल टू ऑपरेटर ये आप मतलब डेमोंस्ट्रेट करना। जिम्मे अपने को उसी तरह पहला हैडर फाइल क्लीयर करवाने क्लास ने ए बी सी क्लीयर करवा दी। क्लास ए की डेफिनेशन पास की आप इंटीजर टाइप वेरिएबल वैल्यू पास की है एज अ पब्लिक इनपुट है जी मतलब कि आप एंटर कर रहे पब्लिक वेस से एंटर द वैल्यू होगी। इस तो बाद डिस्प्ले करवानी डिस्प्ले करवा दी वैल्यू। इस तो बाद की है वॉइड ऑपरेटर। ठीक है, जिदे आप माइनस का जो ऑपरेटर है वैल्यू असाइन करवा रहे हैं इंटीजर वेरिएबल पास किया जाए। ठीक है, तो वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू के वन की किया माइनस किया तो वाइड मेन लगा के फंक्शन
ये ऑब्जेक्ट रीड करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट, ऑब्जेक्ट वन इज इक्वल माइनस इज इक्वल टू वन वैल्यू साइन तो बाई होता है, ऑब्जेक्ट वन डॉट डिस्प्ले फिर से जगह पर फंक्शन रीड करता बन करता, आही चीज़ आप क्रिएट करते हैं। इस तो बाद फ्रेंड फंक्शन एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहते हैं, एज वी हैव सीन इन द प्रीवियस एग्जांपल द ऑपरेटर आर ओवरलोडेड बाय एन स्पेशल मैंबर फंक्शन कॉल्ड ऑपरेटर फंक्शन। मैंबर फंक्शन का आप ऑपरेटर फंक्शन ही बोलते हैं। इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू ओवरलोड ऑपरेटर यूजिंग द नॉन मैंबर ऑफ द क्लास, मतलब जो आप ओवरलोड तो भी कर सकते हैं ऑपरेटर जो मैंबर चाहे क्लास के नाम, तो सो वी कैन ओवरलोड ऑपरेटर यूजिंग, तो ये आप वरतों करा कि फंक्शन की फ्रेंड फंक्शन की। एज ऑपरेटर फंक्शन इज नॉट मैंबर ऑफ द क्लास सो वी हैव टू पास ऑब्जेक्ट एज आर्गूमेंट टू दिस फंक्शन, कहते जी ऑपरेटर है फंक्शन की नॉट अ मैंबर ऑफ द क्लास, क्लास के मैंबर नहीं होंगे, सो वी हैव टू पास ऑब्जेक्ट एंड आर्गूमेंट टू दिस फंक्शन, मतलब इस फंक्शन में मतलब कि आर्गूमेंट पास किए जाते हैं, तो सो इट कैन एक्सैस द डाटा मैंबर ऑफ क्लास, ता करके आप क्लास के जोड़े मैंबर एक्सैस कर सकते हैं। एज अ आर्गूमेंट टू दिस फंक्शन सो दैट इट इज कैन एक्सैस डाटा मैंबर ऑफ द क्लास, इन द केस ऑफ बाइनरी ऑपरेटर वी हैव टू पास टू ऑब्जेक्ट एज आर्गूमेंट, दो तरह के ऑब्जेक्ट पास करने पड़ते बेटा, ठीक है। फॉलोइंग इज द अपने को हो गया, इन द केस ऑफ अर्नेरी ऑपरेटर वी हैव टू पास वन ऑब्जेक्ट एज आर्गूमेंट, आर्गूमेंट के आधार पर वन ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। तो फॉलोइंग इज सिंटैक्स फॉर फ्रेंड फंक्शन एज ऑपरेटर फंक्शन, पहले डिक्लेरेशन इन क्लास, क्लास के किमें डिक्लेयर करते हैं, पहले फ्रेंड लगा के उसकी टाइप की है ऑपरेटर, जिम्मे अपने को लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट आप पास कर दें, डेफिनेशन उस फंक्शन की फिर रिटर्न टाइप करवावे, ठीक है। इस तो बाद ओवरलोडिंग जो अपने को यूनेरी ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। इन द केस ऑफ यूनेरी ऑपरेटर वी हैव टू पास वन ऑब्जेक्ट एज आर्गूमेंट टू द कॉल फंक्शन, जो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो लेट अस कंसीडर एग्जांपल आप डिस्कस करते हैं प्री ते पोस्ट इंक्रीमेंट। अपने को फ्रेंड फंक्शन की वरतों करके पहले हैडर फाइल लगावे, क्लास आप काउंटर की की है, मतलब काउंटर मतलब क्लास करना की, एज अ प्राइवेट आप इंट वैल्यू प्राइवेट दे दी, पब्लिक आप काउंटर शो सारे करना, जिहड़ी वैल्यू की असाइनमेंट आ मतलब आप जीरो तो करवा दी, वाइड शो हो जी सी आउट वैल्यू अपने को शो हो जी, फ्रेंड काउंटर ऑपरेटर। हम आप फ्रेंड फंक्शन की वरतों कर रहे हैं काउंटर ऑपरेटर प्लस प्लस, काउंटर के मतलब वह एड्रैस प्लस किया जा रहा है प्रीफिक्स आ, ठीक है। फ्रेंड काउंटर ऑपरेटर, काउंटर अपने को गया एड्रैस, तो वो की किया जा रहा है बाद पहला देखो, पहले ये सिर्फ की किया जाए वैल्यू पास करके बाद एड्रैस की गल की गई है, ये की किया गया बेटा पहला एड्रैस पास किया गया फिर वैल्यू पास की गई है, यही होगी पोस्ट फिक्स। तो काउंटर प्लस प्लस ऑपरेटर पहला काउंटर एड्रैस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा वो वाला पास करता, फिर इस बाद एज अ काउंटर टैंपरेरी वैल्यू क्लीयर करके ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल ऑब्जेक्ट वैल्यू के वन प्लस किया, फिर टैंप अवली वैल्यू डॉट वैल्यू के स्टोर किया कि वैल्यू ऑब्जेक्ट वैल्यू रिटर्न आप टैंप ही करवाएंगे क्योंकि टैंप की ही वैल्यू आप अगर अगर शो कर लिया। काउंटर प्लस प्लस ऑपरेटर काउंटर एड्रैस ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वेरिएबल पास किया, उसी तरह काउंटर टैंप टैंप डॉट की हो जूगी पहला इतनी वैल्यू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट वैल्यू, ऑब्जेक्ट की वैल्यू टैंप के स्टोर की गई है, तो ऑब्जेक्ट वैल्यू किया जा रहा है बाद चाहे वैल्यू प्लस की है। हाँ देखो ये देखो पहला आप प्लस किया तो यही प्री इंक्रीमेंट हो गया, जिहड़ा आप बाद प्लस किया तो हो गया अपने को पोस्ट इंक्रीमेंट, रिटर्न करवा देंगे टैंप वॉयड मेल लगा के क्लीयर स्क्रीन काउंटर सी वन सी टू, मतलब दो तरह के सी आउट बिफोर इंक्रीमेंट सी डॉट शो सी टू डॉट शो, ठीक है। सी टू इज इक्वल टू सी वन की हो गया प्लस प्लस आफ्टर इंक्रीमेंट, सी आउट अपना आउटपुट आफ्टर इंक्रीमेंट शो हो जाए सी डॉट शो सी टू डॉट शो सी टू इज इक्वल टू प्लस प्लस सी वन, गेट सेट लगा के फंक्शन की करता बाद। इन दिस प्रोग्राम वी हैव डिफाइंड टू स्पेशल फ्रेंड फंक्शन, वन फॉर प्री इंक्रीमेंट एंड सैकेंड फॉर पोस्ट इंक्रीमेंट, आ मैं तुम दसी चुकी है, ठीक है। एज द दीज आर नॉन मैंबर फंक्शन टू वी हैव टू पास ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एज आर्गूमेंट, आर्गूमेंट के आधार पर आप ऑब्जेक्ट को पास किया, इन दीज फंक्शन वी मेक एनी चेंज दैट विल बी रिफ्लैक्टेड ओरिजिनल वैल्यू ऑफ, ये मतलब की कर दिता वे अपने कोरिजिनल वैल्यू की आप चेंजस कर सकते हैं। स्टेटमेंट की होगी सी टू इज इक्वल टू सी वन के इंक्रीमेंट होया इक्वल टू फ्रेंड दिस वन, सी टू इज इक्वल टू जिमें प्लस तो मतलब पहला आप यूज़ किया इज इक्वल टू फ्रेंड अपने को एड्रैस है पहला उस तो बाद वैल्यू पास की, इन द वब फंक्शन कॉल वन एक्सट्रा आर्गूमेंट इज एड टू डिस्कनेक्ट द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑपरेटर, एक वन एक्सट्रा एलीमेंट की वरतों की जिम्मे इंट की वरतों की, ठीक है। अगे आगे मतलब ओवरलोड का बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग अ फ्रेंड फंक्शन, हम बाइनरी पहला इंक्रीमेंट की गल की हम बाइनरी यूनेरी ऑपरेटर बोलते हैं, इन द केस ऑफ बाइनरी ऑपरेटर विद फ्रेंड फंक्शन वी हैव टू पास टू ऑब्जेक्ट एज आर्गूमेंट, ये दो आर्गूमेंट पास करने पड़ते हैं, ठीक है। फॉलोइंग एग्जांपल डेमोंस्ट्रेट ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग अ फ्रेंड फंक्शन, उसी तरह पहला हैडर फाइल लगानी है, क्लास आप कंपलैक्स से क्रिएट किए दो तरह के वेरीएबल पास किए एक्स एंड वाई, एज अ पब्लिक कंपलैक्स आ कंपलैक्स के फ्लोट रियल मतलब दो तरह की वेरीएबल है फ्लोट
पहला रियल टाइप है फिर इमेजनरी टाइप, दो तरह के आर्गूमेंट पास हो गए। एक्स की वैल्यू आप रियल की कंसैप्ट की है, वाई की वैल्यू आप की है इमेजनरी, मतलब एक्स के आप रियल वैल्यू स्टोर करनी, वाई के लिए करनी है इमेजनरी। तो आप इन डिस्प्ले करवाना गा सी आउट एक्स के मतलब कि प्लस जी, तो अपने को एक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट किया गया प्लस जी का, ठीक है, वो स्टोर हो जाए फ्रेंड इंट ऑपरेटर। फ्रेंड टाइप आप मतलब इंटीजर टाइप ऑपरेटर डिक्लेयर किया है, इज इक्वल टू कंपलैक्स पहला एड्रैस फर्स्ट का फिर सैकंड का, दो तरह के वैरीएबल से ना, इस तरह इंट ऑपरेटर इज इक्वल टू कंपलैक्स एड्रैस ऑफ ऑबजैक्ट वन कंपलैक्स एड्रैस ऑफ ऑबजैक्ट टू, पहला मतलब दोनों के पहले के दूजे जो ऑबजैक्ट क्रिएट किए हैं वो पास करते हैं। इंटर रिजल्ट शो करना इफ ऑबजैक्ट वन डॉट एक्स इज इक्वल टू ऑबजैक्ट टू डॉट एक्स, फिर वो इक्वल है तो एड्रैस ऑबजैक्ट जोड़ा अपने को वन डॉट वाई इज इक्वल टू ऑबजैक्ट टू डॉट वाई, मतलब कि वो उन्होंने बराबर है, ठीक है, तो रिजल्ट इज इक्वल टू की होगा वन, एल से रिजल्ट की होगा जीरो, रिटर्न करवा देंगे रिजल्ट। इस तो बाद वॉइड मेन लगा के कंपलैक्स के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, फर्स्ट के आर्गूमेंट पास किया सैकंड किया, जेकर फर्स्ट बराबर आ गया सैकंड के कंपलैक्स नंबर इक्वल है, जो अदरवाइज की है कंपलैक्स नंबर इक्वल नहीं है, तो कंपलैक्स नंबर आर की होगी इक्वल, क्योंकि इन्होंने जो भी अपने को वैल्यू सेम है जस्ट यूज की। इन दिस प्रोग्राम द कहते इज इक्वल टू इज ओवरलोडेड यूजिंग फ्रेंड फंक्शन फॉर कंपलैक्स डाटा टाइप, एज वी आर यूज फ्रेंड फंक्शन टू वी हैव टू पास टू ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपलैक्स डाटा टाइप, मतलब कंपलैक्स डाटा टाइप के दो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट की फ्रेंड फंक्शन ऑपरेटर की कंपलैक्स कॉमा कंपलैक्स, ठीक है। डिक्लेयर फ्रेंड फंक्शन इन द क्लास सो द दिस फंक्शन कैन एक्सेस द डाटा ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, उससे दे ही ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, तो एज यू कैन से see that we have defined two parameter of type complex, so when we make call of this function we have to pass two arguments, matlab do bari call apan ta karde hain beta kyunki apan inhe do bari declare karna hai, tab statement below is responsible for calling of the above function, jive if c is equal to c2 that is called our linear function ki jo body hai pass karta, statement c is equal to c2 is equal to statement operator is equal to c1 comma c2 are operator use kita this statement passes the argument into called function and then we can simplify compare them, ta in called function de vich matlab ke send kita gaya, theek hai, ta karke nu simply apa compare kar sakte hain. Agge aage beta rules for operator overloading liye kede kede rules use kitne hain. Operator overloading is powerful tool to make program simple to understand and help to develop the application with ease, kehde da operator overloading hai, ek hi matlab ki shaktishali tool hai जिहड़ी मतलब कि प्रोग्राम को सिंपल समझने के एप्लीकेशन डिवेलप करने में सहायता करती है। द मेन यूज ऑफ द ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज टू हाइड द कंपलैक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम की कंपलैक्सिटी को हाइड करने लिए आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग की वरतों करते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स दैट वन वन वाइल डूइंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग की वरतों करते हैं तो उसके लिए कौन-कौन से रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ न्यू ऑपरेटर फॉर ओवरलोडिंग, ये जरूरी नहीं होंगे भी अपना नवा ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए की करना का क्रिएट करना, तो ओनली एग्जिट ऑपरेटर कैन बी ओवरलोड, मतलब पुराने ही आप यूज कर लेने हैं। सर्टेन ऑपरेटर सच एज डॉट मैंबर एक्सेस ऑपरेटर स्कोप रेगुलेशन साइज ऑफ कंडीशनल पॉइंटर मैंबर टू कैन नॉट बी ओवरलोड, ये ओवरलोड नहीं होंगे। वी कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ ऑपरेंड एसोसिएटेड विद ऑपरेटर बाय ओवरलोडिंग, मतलब कि आप नंबर ऑफ ऑपरेंड भी चेंज नहीं कर सकते जो आप ओवरलोडिंग की वरतों कर रहे हैं। दिस मीनस यूनियरी ऑपरेटर ऑलवेज वर्क ऑन ओनली वन ऑपरेंड एंड बाइनरी ऑपरेटर ऑलवेज वर्क ऑन टू ऑपरेंड, मतलब जो यूनियरी है सिर्फ एक ऑपरेंड पर काम करता है, जो बाइनरी है वो दो पर काम करता है। द नेचुरल मीनिंग ऑफ द ऑपरेटर कैन नॉट बी चेंज, जो मीनिंग है मतलब कि यह ऑपरेटर का वो चेंज नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस से प्लस यूज टू फाइंड द सम ऑफ टू ऑपरेंड, सो वी कैन नॉट से वी कैन ओवरलोड प्लस ऑपरेटर टू कैलकुलेट प्रोडक्ट और माइनस ऑफ प्लस ऑपरेटर की वरतों का माइनस से मल्टीप्लाई करनी यूज है नहीं कर सकते। इस तो बाद आ गया अपने को द प्रीडेंस एंड एसोसिएटिव ऑफ द ऑपरेटर कैन नॉट बी चेंज्ड बाय ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग के द्वारा ये दोनों चीज़ें चेंज होती है नहीं होंगी। ओवर ऑपरेटर इज स्पेशल फंक्शन टू परफॉर्म ओवरलोडिंग, ऑपरेटर के स्पेशल फंक्शन है जो ओवरलोडिंग के लिए यूज करते हैं। इट मस्ट आइदर बी ए मैंबर फंक्शन ऑफ द क्लास और नॉर अ नॉन मैंबर फंक्शन ऑफ द क्लास, मतलब कि यह मैंबर फंक्शन हो भी सकता क्लास या नहीं है। इफ द ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन इज मैंबर फंक्शन दैन ओवरलोडेड यूनियरी ऑपरेटर टेक नो पैरामीटर, जो उस क्लास का मैंबर फंक्शन हैगा ठीक है तो वो पैरामीटर पास नहीं लगा, एंड बाइनरी ऑपरेटर टेक वन पैरामीटर का बाइनरी एक लगा। तो हाईवर इफ द ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन इज नॉट मैंबर फंक्शन दैन ओवरलोडेड यूनियरी ऑपरेटर टेक वन पैरामीटर, जो है मैंबर नहीं है वो एक पैरामीटर लगो बाइनरी ऑपरेटर टू तो बाइनरी दो ऑपरेटर लगे, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑपरेटर माइन
माइनस ग्रेटर दैन और इक्वल टू जो भी आ हैगी ने अपने को पैरा थिंग्स की कैन नॉट ओवरलोड डू द फ्रेंड फंक्शन ये चीज़ा फ्रेंड फंक्शन के द्वारा ओवरलोड है जी नहीं दिखाई ये ओवरलोडिंग वाला टॉपिक भी बेटा कंप्लीट नहीं जो ये कोई प्रॉब्लम लगती है तो मैंने